हरे कृष्णा, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज हम बैठे हुए हैं काफ़ी ही फेमस वायरल यूट्यूबर के साथ, गौतम खट्टर जी के साथ, जो अपनी वीडियोस के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी ही युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। और गौतम खट्टर जी काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं और काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो आज हम उनसे बात करते हैं कुछ वायरल टॉपिक्स के ऊपर। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि मैं देखती हूँ आपके वायरल वीडियोस काफ़ी, कि कहीं 3 साल के बच्चे के साथ, कहीं किसी अंग्रेज़ के साथ उनके विचारों को ले रहे होते हो और लोगों तक पहुँचा रहे होते हो, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश करते हो। तो कैसे आप इन सब लोगों तक पहुँच जाते हो, कैसे आपके मन में विचार आता है उन सब लोगों के इंटरव्यू लेने का, उन सब लोगों से बातचीत करने का? देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो आज आप देखेंगे कि आपके आसपास समाज में जितने भी युवा हैं, वो आंख बंद करके पाश्चात्य की दौड़ में, आंख बंद करके अंग्रेज़ों के पीछे, आंख बंद करके बाहर के जितने भी आडंबरी चीज़ें जो बाहर हो रही हैं उस पर आंख बंद करके उसका पीछा करना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, चाहे उनकी लाइफ स्टाइल हो, चाहे उनका लिविंग स्टैंडर्ड हो, चाहे उनका खान पान हो, चाहे उनकी वाणी हो, चाहे उनका व्यवहार हो, जो भी है। इंसान आज घर की बनी हुई साधारण दाल रोटी नहीं खाना चाहता, वो उसको बेकार लगने लगी है और उसको बर्गर अच्छा लगने लगा है, पिज्ज़ा अच्छा लगने लगा है, उसको ठीक से अच्छे से कपड़े पहनना पसंद नहीं है, उसको फटे हुए कपड़े जहाँ से सब कुछ नज़र आ रहा हो, अंग का अच्छी तरह प्रदर्शन हो रहा हो, ऐसा लगे कि कोई गरीब दीनहीन भिखारी है, ऐसे कपड़े पहनने में इंटरेस्ट है। उसको अपनी फैमिली के साथ एक वो बॉन्ड, एक रिलेशनशिप, एक अपनापन, एक टाइम स्पेंडिंग अच्छी नहीं लगती, उसको बाहर पार्टी में जाना, डांस करना, दारू पीना, नाचना गाना, हु हल्ला करना, छर्रे उड़ाना, फूंकना, ये सब उसको अच्छा लगने लगा है। मतलब जो हमारी सात्विक वे ऑफ लिविंग था, सात्विक लाइफ स्टाइल था, सात्विक जीवन के आधार थे, उसको हटा करके हमने कहा ये सब हटाओ, ये सब बेकार है और कूड़ा कबाड़ा, ये तामसिक चीज़ें जिसको लेने के बाद स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन में चले जाएँ, वैसी चीज़ें हमको आकर्षित कर रही हैं। तो हमने कहा कि अब जो लोग इन चीज़ों से आकर्षित हो रहे हैं, उनको कुछ ऐसा दिखाया जाए कि वो पुनः सात्विक चीज़ों की ओर लौट चलें। उसमें एक छोटा बच्चा हो सकता है 3 साल का, जो भगवद गीता का श्लोक सुनाएगा, जो कोई भजन सुनाएगा, जो कोई मंत्र गाएगा, जो कोई मृदंग बजाएगा। 3 साल का बच्चा जो ठीक से मम्मी पापा नहीं बोल सकता, दादा दादी नहीं बोल सकता, वो जब मृदंग बजाता है और वो जब श्लोक बोलता है भगवद गीता के, तो इस भारत का युवा उसको देख करके खुद को धिक्कारता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब 25 साल का हो गया, 27 का हो गया, 30 का हो गया, 40 का हो गया, मेरी आधी उम्र निकल गई और मैंने कभी भगवद गीता को पढ़ना तो बहुत दूर की बात, उसका फ्रंट पेज भी नहीं देखा, उसका गत्ता भी नहीं देखा, उसको बाहर से भी उसके दर्शन नहीं किए, और ये 3 साल का बच्चा ये भगवद गीता का श्लोक बोल रहा है। एक रशिया की रहने वाली लड़की जिसका भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था, वो अपना वहाँ लग्जरी लाइफ, लग्जरी जीवन छोड़ करके यहाँ पर आकर के यदि स्टडी कर सकती है, तो भारत का युवा जब उसको सुनता है, उसको देखता है, तो उसको लगता है कि यार जब ये कर सकते हैं अमेरिका से, रशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जापान से, यूक्रेन से आने वाले लोग हमारी कल्चर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हमारे लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है। जबकि भारत अभी अंडर डेवलप्ड है, मतलब अभी डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ें यहाँ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है जितना अमेरिका में डेवलपमेंट है, जितना ऑस्ट्रेलिया में है, जितना अन्य बाहर के देशों में। जब वो लग्जरियस चीज़ें छोड़कर स्पिरिचुअल पाथ पर आ रहे हैं, तो भारत के युवाओं को ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम इनको देखो और समझो कि तुम्हारी जो कल्चरल चीज़ें हैं ये कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब हमें सिखाने के ऊपर बात आती है इन सब चीज़ों को, कि अपनी सभ्यता को अपनाओ, अपनी संस्कृति को अपनाओ, तो हम ये सब चीज़ें लड़कियों को देखना चाहते हैं, लड़कियों के ऊपर देखना चाहते हैं। मुझे लगता नहीं है कि आजकल मतलब लड़कों से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, अपने परिवार में भी देख सकते हैं हम, अपने परिवार में क्या, अपने जो हम जहाँ जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो, उसमें ये देखते हैं हम कि अगर सोसाइटी देखना चाहती है तो उस सब चीज़ में एक लड़की को देखना चाहती है, एक लड़के को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़के से कोई प्रॉब्लम, चाहे वो आधी रात में घर आ रहा हो, चाहे वो आधी रात को घर से बाहर जा रहा हो, चाहे वो किसी लड़की को भी छेड़ कर आ रहा हो, उनको कोई परवाह ही नहीं कि छेड़ा भी होगा किसी को, उनको पूछना भी नहीं वो कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, क्या लेकर जा रहा है, क्या लेकर आ रहा है, क्या खा कर आ रहा है। तो ये सब जो अगर देखना भी चाहते हैं किसी सभ्य चीज़ में, अगर किसी सभ्यता के अंतर्गत किसी लड़की, तो वो किसी एक लड़की को देखना चाहते हैं, लड़के को तो शायद मेरे नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो,
समाज में हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के परिवार हैं, ये उस हाँ, ये हर तरीके का माइंडसेट है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, आज आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखो, कौन सी लड़की के ऊपर उनके घर वालों की बंदिश है, कौन सी लड़की के ऊपर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पेरेंट्स थोप रहे हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियां जा रही हैं, बार में जा रही हैं, पब में जा रही हैं, क्या उनके माता पिता को नहीं पता? पता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनकी सहमति से जा रही हैं और लड़के भी ऐसा कर रहे हैं। तो अब वो समाज में हम जी रहे हैं जहाँ लड़के और लड़की में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ अपवाद ज़रूर हैं। आज आप देखो कि लड़कियां सब कुछ वो कर रही हैं जो करना चाहिए। आज भारत की जो प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, वो भी एक महिला हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, राजनीति की बात करें, या अन्य सामाजिक जीवन की बात करें, आप कॉलेजेस प्रोफेसर्स की बात करें, आप साइंटिस्ट की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, इंजीनियर, सब जगह तो लड़कियां आगे हैं। अब लड़के और लड़की में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि डिफरेंस रह गया, दोनों कदम से कदम मिला के आगे चल रहे हैं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये था, कहना मैं ये चाहती थी कि अगर हमें हमारे अंदर विचार भी आए कि कोई किसी को सभ्यता लाने की ज़रूरत है, किसी को सभ्य बनने की कुछ ज़रूरत है, किसी को अपनी संस्कृति अपनाने की ज़रूरत है, तो वो हम देखना चाहते हैं कि लड़कियां ही उस चीज़ में दिखाई दें। अच्छा, लड़कों के ऊपर ऐसा कोई रोक या ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है मेरे हिसाब से? ऐसा तो नहीं है, सब जगह ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं इसमें शायद ज़्यादा ही क्योंकि हमको ऐसा लगता है, हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझ पर ज़्यादा बाउंडेशन है। आप एक लड़की हैं तो हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि लड़कियों पर ज़्यादा बाउंडेशन है, तो ऐसा हो सकता है ज़रूर कि हमको अपने ऊपर दुख ज़्यादा लगते हैं, अत्याचार ज़्यादा लगते हैं, अपनी खाली और दूसरे की थाली में थोड़ा घी हम सबको नज़र ज़्यादा आता है। ये तो इंसान की फितरत है। बिल्कुल, जैसे कि महिलाओं की बात हो ही रही है तो मेरे मन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया कि जैसे यज्ञोपवि संस्कार है, वो हम देखते हैं कि हमारे समाज में ये सोच बनी हुई है कि वो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियों का ऐसा कुछ है नहीं कि वो लड़कियां उसको धारण कर सकती हैं यज्ञोपवि को, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो बेकार की बात है, लोग ऐसा लोगों ने धारणा बना दी है। और हमारे एक समय कालखंड के अनुसार कुछ रूढ़िवादिताएँ आ गई, कुछ ढोंग आडंबर पाखंड आ गए कि हमने बोला कि इन चीज़ों से लड़कियों को वंचित रख दो। वो वेद मंत्र ना सुन पाए, वो यज्ञोपवीत ना धारण कर पाए, वो धार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा संलिप्त ना हो पाए, वो इन चीज़ों से उसको दूर रख दो। जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है कि लड़कियों को यज्ञोपवीत नहीं लेना चाहिए या लड़कियों को वेद मंत्र सुनेंगे तो ये गलत है। ऐसा तक कहा गया कि नारी नर्क का द्वार है, नारियों को कई चीज़ों से वंचित रखा गया। लेकिन हमारे समाज में हमेशा जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो धार्मिक चीज़ों का प्रचार करता है। जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म के प्रचार के लिए ऐसे कई महापुरुष इस धरा पर जन्म लेते हैं। ऐसे पंडित श्री राम शर्मा जी हुए, ऐसी महर्षि दयानंद जी हुए, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने कहा नहीं, महिलाएं भी उतनी अधिकारी हैं जितने पुरुष हैं। आज पंडित श्री राम शर्मा जी का जो गायत्री परिवार है वो बहुत बड़े स्तर पर एक अभियान चला रहा है। स्वामी रामदेव जी का इतना बड़ा संस्थान है, पतंजलि योगपीठ, भारत स्वाभिमान, वो बहुत बड़े स्तर पर अभियान चला रहे हैं कि नहीं, लड़कियां भी इसकी अधिकारी हैं। आर्य समाज एक बहुत बड़ा अभियान है, वो कह रहे हैं नहीं, लड़कियां भी इसकी अधिकारी हैं। गायत्री परिवार एक बहुत बड़ा अभियान है, वो कह रहे हैं नहीं, लड़कियां भी इसकी अधिकारी हैं। लेकिन आज भी विडंबना यह है कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इन लोगों का विरोध करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं कि नहीं, ये पंडित श्री राम शर्मा गलत कर रहे हैं, महर्षि दयानंद ने गलत किया, स्वामी रामदेव गलत कर रहे हैं, ये सब लोग अधर्म कर रहे हैं जो लड़कियों को यज्ञोपवीत दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं लड़कियों को यज्ञोपवीत? वो अपवित्र हैं, वो ये हैं, उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, ये गतिविधियां होती हैं, इसलिए उनको यज्ञोपवीत नहीं देना चाहिए। नारी नर्क का द्वार है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि नारी नर्क का द्वार है, उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई यदि नारी नर्क का द्वार है तो तुम कहाँ से आए हो? तुम भी नारी से आए हो, मतलब तुम नर्क से पैदा हुए तो तुम क्या हो? ऐसे लोगों से आज सवाल करने की जरूरत है। और मैं कहता हूं कि जो भी महिलाएं यज्ञोपवीत नहीं ले रही हैं उनको यज्ञोपवीत लेना चाहिए। दूसरा एक इससे जुड़ा और मिसकॉन्सेप्शन है कि यज्ञोपवीत शूद्रों के लिए नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जो वर्ण व्यवस्था है वो समाज के चार पहिए हैं। गाड़ी होती है, बिना चार पहिए की गाड़ी नहीं चल सकती, उसमें क्षत्रिय का भी उतना योगदान है, ब्राह्मण का भी और वैश्य का भी और शूद्र का भी। हमने ऐसी धारणा बना दी भारत के कुछ ऐसे लोगों ने राजनीति के तहत कि जो शूद्र है ये सबसे दबा कुचला वर्ग है। आप बोलो कि आज भारत का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र भारत में किसी दलित व्यक्ति को राष्ट्रपति बना देता है, तो उसके बाद भी हम कहें कि शूद्र दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं?
और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। जो तुमको ऐसा बरगलाने का प्रयास करता है वो बिल्कुल गलत है। कहीं भी शूद्रों को नीचा दिखाने की बात नहीं है। महर्षि मनु ने कहीं नहीं बोला कि शूद्रों के ऊपर अत्याचार करो, उनसे उनके अधिकार छीनो, उनको दबाओ, उनको कुचलो, ऐसा कहीं नहीं है। ये लोगों ने डेवलप कर दिया। महर्षि मनु ने एक सिंपल सी बात करी, उन्होंने कहा है कि इस संसार में सब लोग शूद्र पैदा हो रहे हैं। अपने गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर वो क्षत्रिय बनता है, ब्राह्मण बनता है, वैश्य बनता है और शूद्र बन सकता है। ठीक है, वो कर्म और गुण के आधार पर डिपेंड करेगा। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, शूद्र शूद्र रहेगा, चाहे वो डॉक्टर भी बन जाएगा तो भी शूद्र है, वो आर्मी में चला जाएगा तो भी शूद्र है, और वो देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर भी बैठ जाएगा तो भी शूद्र है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हमने बनाए, हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि महिलाओं को मत दो, शूद्रों को मत दो, नारी नरक का द्वार है। बल्कि जब शास्त्रों में घुसोगे तो पता चलेगा, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान है, जहाँ नारियों की पूजा है, जहाँ नारियों का अधिकार उनको दिया जाता है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। और ये लोगों ने अपने आप से बना दिया कि नारी नरक का द्वार है, और बोला नारियों देखो कि सनातन धर्म में क्या कहा गया है कि तुम तो नरक का द्वार हो, ये कितना गंदा तुम्हारा धर्म है, इसको छोड़ दो। क्यों? और वो नारियां भी बरगला, मतलब वो भी आसानी से उनकी बातों में आ जा रही हैं, क्योंकि नारियां कौन सा भगवत गीता पढ़ रही हैं, नारियां कौन सा वेद को खुद पढ़ना चाह रही हैं। गलती तो सब लोगों की है ना। कोई यदि व्यक्ति हो और वो खोजना चाहे, जब महर्षि दयानंद को लगा कि मुझे सच्चे ईश्वर की तलाश करनी है तो निकले ना, तो आपको स्वयं निकलना पड़ेगा। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। आपको अगर कुछ चीजें जाननी है तो खुद, अब आपको नापना है कि समुद्र कितना गहरा है, या तो उससे जान लो जो समुद्र की गहराई को नाप के आ गया है सही सही, उससे जान लो। और अगर आपको तैरना आता है तो खुद उतर जाओ, और नहीं आता तो उससे जान लो, है ना। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है। मैं कहूँगा नारियों को ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब यज्ञोपवीत लीजिए। हमारे पूर्वजों ने इसका प्रावधान किया है। महर्षि दयानंद इतने वेदों के विद्वान थे, वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं थे जो नारियों को यज्ञोपवीत का अधिकार दे गए। पंडित श्री राम शर्मा जिन्होंने हजारों पुस्तकों की माला रच दी, 3000 से ज़्यादा साहित्य लोगों को दे के चले गए वो इस धरा पर, वो बेवकूफ़ तो नहीं होंगे, उन्होंने कुछ पढ़ा ही होगा ना। तो मिसकॉन्सेप्शन है, इस पर मत फंसिए। तो इसी से एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये जातिवाद का ना आज के युवा पे काफी ही मतलब काफी अफेक्ट कर रहा है ये जातिवाद युवा को, कि आप देखते हो कि जिसने कुछ करा भी नहीं है, जो रात को बियर पीकर आ रहा है, सुबह पूरा दिन निठल्ला रह रहा है, कॉलेज में भी शायद जा रहा होगा, वो अपनी गाड़ी के पीछे जाट लिखवा रहा गुजर और शान से रह रहे हैं और दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। देखो ये हम लोगों को समझना चाहिए। कल ही मैं एक व्यक्ति से मिला, प्रफुल्ल बिल्लौरे MBA चाय वाला से, तो मैंने लगा रखा था, तो एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया, ये भी पंडित है क्या? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कि पंडित है कि क्या है, मुझे तो ये पता है कि ये इंसान है, हर व्यक्ति इंसान है। तो उसने बोला पता करो पंडित है क्या नहीं है। मैंने बोला ये कैसा सवाल है कि पंडित है? आप जज कर, आप देखो कि कहीं पे कोई लड़की यादव बन जाती है तो बोलते हैं यादव सभा, यादवों का नाम रोशन कर दिया इस लड़की ने, जबकि वो जब लड़की संघर्ष कर रही थी पढ़ने के लिए, जब वो एक एक समय के फीस देने के लिए मोहताज थी, तब कोई भी यादव आके खड़ा नहीं हुआ कि लाओ बेटी तुम पढ़ो, हम तुम्हारा पैसा दे देंगे। या जब वो कौन सा है जो भाला फेंकता है, नीरज चोपड़ा, आज इतने मतलब उसके समाज के लोग आ गए कि देखो हमारे समाज का नाम रोशन कर दिया, रोड समाज का नाम। आप जब वो संघर्ष के दौर में था कितना साथ थे। आप ये मत देखो कि कौन जाट है, कौन गुज्जर है, कौन बनिया है, कौन वैश्य है, आप देखो कि इंसान अच्छा होना चाहिए। ये जो हमने डिस्क्रिमिनेशन बनाया, भारत ही तो एक ऐसा देश था जहाँ इन सब चीज़ों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं थे, सबको मतलब हमने अधिकार दिया। और अपने ही भारत की सीमा क्षेत्र वाले लोगों को नहीं, हमने कहा कि अयम निजह परोवैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमने तो पूरी दुनिया को परिवार माना। क्या हमने उसमें देखा था कि दुनिया के इस आदमी को परिवार मानना है और इसको पराया मानना है? क्या वो है क्या उस श्लोक या उस मंत्र के व्याख्या में कि ये जातियों का विवरण है, ये तो परिवार है और ये जातियाँ हैं, ये हमारे पराये हैं? ऐसा नहीं है। जाति केवल एक है, वो है मानव जाति। ठीक है, मानव जाति का ध्यान रखिए, इंसान के विचार अच्छे हों, वो धार्मिक हो, चरित्रवान हो, चीज़ों को समझता हो और सही सही चीज़ों को ग्रहण करने की लिए हमेशा तत्पर भी रहता हो। तो ये जाट हैं, हम गुज्जर हैं, हम बनिए हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम चमार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये सब डिस्क्रिमिनेशन तुमको तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए। आप देखो मीडिया चैनल्स पर जब दो समुदाय का वोट शेयर आता है
कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का जब वोट शेयर आएगा तो जातियों में आएगा, यादवों का इतना वोट, ब्राह्मणों का इतना वोट, चमारों का इतना वोट, जाटों का इतना वोट, गुज्जरों का इतना वोट, एससी एसटी का इतना वोट, और जब मुसलमानों का आएगा तो सिर्फ 20% मुस्लिम वोट। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है, जबकि मुसलमानों में भी 25 वो है, विभाजन है। लेकिन जब हिंदू खुद कहेगा कि हाँ मुझे गर्व है कि मैं सनातन धर्मी हूँ, आप पहले खुद को वेद भक्त कहिए, ईश्वर भक्त कहिए, इंसान कहिए, क्या किसी के माथे पर लिखा हुआ है कि वो जाट है? ये स्टिकर जो चिपका रहे हैं इन्होंने बाहर से बना करके चिपका लिया, मैं जाट हूँ मैं, इन्होंने इतिहास भी नहीं पढ़ा होगा कि इनके कितने महापुरुष थे, गुज्जरों ने या बनियों ने या मराठों ने, पढ़ना किसी को नहीं है, बस एक प्राउड है, एक प्राउड टू बी जाट, ईगो, एक ईगो है कि या आई एम जाट, आई एम गुज्जर, आई एम ब्राह्मण, आई एम क्षत्रिय, आई एम ठाकुर, आई एम मराठा। इसको छोड़िए, सब इंसान हैं, सब भाई हैं हम लोग। संग छद्वम संबद्धम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, आप ही बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जैसे आपने हिंदुत्व की बात करी, हिंदुत्व की बात करी, तो उसी से मेरे को एक क्वेश्चन आया कि आज एक मूवी जो बहुत वायरल है बायकॉट में जिसका चल रहा है, आदि पुरुष, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में लोग अब आ गए हैं, इंजेक्ट हो गए हैं, जो अब हिंदू इकोसिस्टम का फायदा उठाना चाहते हैं। पहले जो लोग हिंदुइज्म को बदनाम करते थे, उनकी भर्त्सना करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, देवी देवताओं का अपमान करते थे, अब वही लोग कह रहे हैं कि अब कोई मूवी ऐसी ले आओ जो हिंदुइज्म पर हो, उसको चला दो, सारे हिंदू तो एक हो गए हैं तो सब जाकर के देख लेंगे और तुम्हारी बढ़िया कमाई हो जाएगी। लेकिन वो लोग भूल गए हैं कि हिंदू इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, सनातन को मानने वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है जो तुम्हारी इस मंशा को, तुम्हारे इस कुकृत्यों को समझ ना पाए कि तुम रावण को एक राक्षस बना के प्रस्तुत कर रहे हो, लेकिन वो भी ऐसा जो एक मुगल काल जैसा दिखता है, खिलजी जैसा। रावण को चमगादड़ पे दिखा दिया, हेयर स्टाइल ऐसे कर दिया, खिलजी जैसा बना दिया, दाढ़ी ऐसी थाम दी। चलो रावण को छोड़ो, हनुमान जो उस आदि पुरुष मूवी में है वो भी हनुमान नहीं लग रहे हैं, वो हनुमान तो बिल्कुल ही नहीं लग रहे हैं, वो तो रहमान या कोई इरफान लग रहे हैं। तो भाई तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम ये समझते हो कि हिंदू बेवकूफ है, आदि पुरुष बना दी, उसमें हिंदू कैरेक्टर्स हैं उनको दिखा दिया, हमारी मूवी हिट हो जाएगी? ऐसा नहीं है। बड़े बड़े तुर्रम खान, आमिर खान जैसे, जो साल में एक मूवी लाते थे और हर मूवी उनकी हिट होती थी, आज उनको इतनी पटकनी खानी पड़ी। तापसी पन्नू जो खुद कह रही थी बायकॉट करो, हमें भी बायकॉट करो, हमें भी बायकॉट होना, बायकॉट कर दिया, वो जो अपना बजट थी वो भी पूरा नहीं ले पाई। अक्षय कुमार, वो रक्षाबंधन जो मूवी आई, उनको लोगों ने अच्छे से मजा चखा दिया। तो अब वो दौर नहीं है कि आप हिंदूज के सेंटीमेंट्स के साथ खिलवाड़ करेंगे और हिंदू जाएगा थिएटर में देखेगा, ताली बजाएगा और 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये की टिकट जाकर के आपको देगा और आपके फंड में इंक्रीमेंट करेगा। अब वो सनातन धर्मी नहीं रह गए हैं, अब धीरे धीरे सनातन के लोग जागरूक हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे आपने भारतीय संस्कृति की बात करी, तो हम देखते हैं कि हमारे ही संस्कृति में हम ऐसा व्रत रखते हैं, अपने कोई माता अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है, कोई पति पत्नी अपने पति के लिए व्रत रख रही है, कोई पति अपनी पत्नी के लिए व्रत रख रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन इसी जो जैसे अभी करवा चौथ आने वाला है, तो इसमें कुछ पवित्रता थी, जो हम फास्टिंग करते थे, जो ये व्रत रखते थे, इनमें कुछ पवित्रता थी, लेकिन आजकल वही अपने जनरेशन ने, अपनी युवा पीढ़ी ने इसका भी नाश कर दिया है, पवित्रता का भी। वो कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रख रहा है, कोई गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड के लिए रख रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो हमें व्रत का मतलब समझना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ व्रत, जो हम ये फास्टिंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। दो चीज़ें हैं, पहला ये व्रत मतलब कि संकल्प लेना, हमने संकल्प ले लिया कि आज मुझे झूठ नहीं बोलना है, या मेरे को अपने मुंह से गाली नहीं निकालनी है, या कोई अपशब्द नहीं निकालना है, किसी के अपमानित दुर्व्यवहार कटु वचन नहीं निकाल, ये व्रत होता था। ऐसे कई सारे व्रत होते थे जो हम लोग रखते थे कि हमें आज से ये व्रत लेना है, संकल्प लेना है कि हम ये काम नहीं करेंगे जो आज तक हम करते आए, ये कार्य नहीं करेंगे जो गलत हम आज तक करते रहे, जिसका दुष्परिणाम हमारे जीवन पर देखने को मिला। तो उस व्रत की जगह तो ले ली इस व्रत ने, ठीक है, जो हम ना खा करके रख रहे हैं। अच्छा, अब ना खाने वाला क्या सिस्टम था कि हम लोग जैसे गाड़ी है,
चार धाम यात्रा पे निकली है, कई किलोमीटर चल गई है, तो गाड़ी को भी रेस्ट चाहिए। वो मशीन है ना, उसको रेस्ट चाहिए। हम लोग क्या है, पूरा दिन खाते हैं, अगले दिन खाते हैं, फिर खाते हैं। तो एक परंपरा थी कि हाँ, अगर हफ्ते में एक दिन हमको अपनी इस बॉडी जो नुमा मशीन है इसको रेस्ट देना है, क्योंकि ये डिटॉक्स करना है, इसको रिट्रीट करना है, ठीक है, जिससे कि इसको भी थोड़ा आराम मिले। रोज़ खा रहे हैं तो इसको भी आराम, तो इसलिए ये फास्टिंग का सिस्टम था। अब ना तो वो वाला व्रत रहा और ना ये वाला व्रत रहा, दोनों तो ख़त्म हो गए। अब कुछ नया आ गया। अब ये क्या है कि कल नवरात्र है, या सपोज करो कल एकादशी का व्रत है, तो आज खा लो। ओके, क्योंकि कल तो व्रत है, ठूस ठूस के खा लो। फिर जब कल व्रत आ जाएगा एकादशी का, तो आज व्रत है, आज कुछ नहीं खाना, आज आलू की पूड़ी खा लो, कुट्टू का आटा खा लो, इसके पकौड़े खा लो, आइसक्रीम खा लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, या मतलब जो भी चीज़ें हो सकती है खा लो, क्योंकि आज और कुछ नहीं खाना, आज आटा नहीं खाना, आज सब्जियां नहीं खानी, आज ये खा लो। फिर अगले दिन, कल व्रत था आज नहीं है तो आज खा लो, कल नहीं खाया था। अब ये सिस्टम है, तो क्या ये व्रत है? ये व्रत नहीं है, ये चरत है। दूसरा जो आपने कहा करवा चौथ, ये जो त्योहार होते हैं, ये जो पर्व होते हैं कि माँ अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रख रही है, पत्नी अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत रख रही है, इसमें एक पवित्रता है, इसमें एक इमोशन है, इसमें एक सेंटिमेंट है, इसमें एक कनेक्शन है। लेकिन अब क्या है, दो चार दिन की रिलेशनशिप है, बाबू मुझे आपके लिए व्रत रखना है, मेरा बच्चा सोना मुझे आपके लिए व्रत रखना है, अच्छा बाबू आप व्रत रखोगी तो मैं नहीं कुछ खाऊंगा, मैं भी आपके लिए व्रत रखूंगा, अच्छा बाबू चलो ठीक है हम दोनों व्रत रखेंगे। फिर ये क्या है, फिर कल के दिन पहले तो बोल रहे थे ये सब चीज़ें करने से पहले, रोज आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू। फिर कुछ दिन के बाद उनका खेड़ा छुत्ता हो गया, उसको कुछ नई मिल गई, उसको कोई नया मिल गया, अच्छा बंदा मिल गया, अच्छी बंदी मिल गई, तो रोज आर बेड आई एम ब्लू, मुझे दूसरी मिल गई, परे हट तू। ये सिस्टम है, तो इसमें पवित्रता है क्या? आज उसके साथ, कल उसके साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ, तो ये पवित्रता का ह्रास है। जब तक ये फेरे होना, ये हवन में बैठना, ये सारे रिचुअल्स होना, ये क्यों होते हैं कि एक विधि विधान है, सब चीज़ों का एक विधि विधान है। हमने तो विधि विधान खत्म कर दिया, डीजे बज रहा है शादी में, हु हल्ला हो रहा है, यू आर द लव चार्जर, तेनु घोड़ी ने चढ़ाया भूतनी के, उल्टे सीधे दारू पैग, पूरे रात पार्टी होगी, हम नशे में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पूरी लाइटिंग पे खर्चा कर दिया, सब कुछ कर दिया, पंडाल लगा दिया, लोगों को बुला दिया, खाना खिला दी, दारू परोस दी, मीट चिकन सब कुछ खिला दिया, सब में पूरा टाइम दिया, हल्दी में पूरा टाइम दिया, मेहंदी में पूरा टाइम दिया, नाच गाने में पूरा टाइम दिया, दारू पीने में पूरा टाइम दिया, सब कुछ करने में, हु हल्ला करने में, डांस करने में पूरा टाइम दिया। लेकिन जब फेरों की बात आई, पंडित जी जल्दी कर दो, पंडित जी फटाफट कर दो, मतलब जो चीज करनी चाहिए उसमें फटाफट कर दो, पंडित जी फटाफट को, पंडित जी को भी क्या है, उनको चलो कर दो भाई, कर दो, सब जगह पैसे दे देंगे, डीजे वाले को पैसे दे देंगे, ले जा भाई तू 1,00,000 रुपए, कैमरे वाले को पैसे दे देंगे, बढ़िया से मूवी रिकॉर्ड कर दे, ठीक है, खाने वाले को पैसे दे देंगे, चिकन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, दारू वाले को पैसे देंगे, बढ़िया से बढ़िया ब्रांड ले आओ, जो बाराती है उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन पंडित जी ने यदि थोड़ा सा बोल दिया कि भैया 2100 की दक्षिणा दे दो, तो उनसे बार्गेनिंग करने लगेंगे, उनसे नेगोशिएशन करने लगेंगे कि नहीं पंडित जी 1100 में कर लो, 500 में, मतलब जो शादी का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करा रहा है विवाह संस्कार, उससे तुम नेगोशिएशन कर रहे हो, और दारू में नेगोशिएशन नहीं, मीट में नेगोशिएशन नहीं, नाच गाने में, डीजे में, कैमरे में, कहीं नेगोशिएशन नहीं, इन चीज़ों में नेगोशिएशन। तो ये पवित्रताओं को हमने मजाक बना दिया है। मैं सबसे कहूँगा कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो ठीक है, उस पर मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ऐसी वाहियात नौटंकीबाजी मत कीजिए। जब तक आपको ये नहीं पता कि आप कल उसके साथ होंगे भी या नहीं, मतलब क्या आपको गिल्ट फील नहीं होगा कुछ दिन के बाद कि यार उसके लिए मैंने व्रत रखा था, बताओ आज हम साथ में नहीं है, कल उसके लिए व्रत रख रही हूँ, परसों उसके लिए रख रही हूँ, नरसों उसके लिए, मैंने अपने जीवन में 10 लोगों के लिए व्रत रखा है, 10 बॉयफ्रेंड के लिए व्रत रखा, ये लाइफ स्टाइल नहीं हो सकती, ये लिविंग स्टाइल नहीं हो सकता। आप तो बस बिल्कुल मतलब आंख बंद करके आपने मिक्सचर कर कुछ नया कर दिया, थोड़ा सा वेस्ट को मिलाया, थोड़ा सा कल्चर को मिलाया, कुछ नया कर दिया, 10-10 बॉयफ्रेंड के लिए व्रत रख रही हैं, 10-10 गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि हमारे जो हम आहार ले रहे हैं सात्विक या तामसिक या
राज्य से कैसा भी हम भोजन ले रहे हैं उसका हमारी प्रवृत्ति पे, हमारे विचारों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। एक उदाहरण आपको देता हूँ, देखो ये तो साफ सीधी बात है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसी पियोगे पानी वैसा होगा वाणी, जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत, जैसा होगा देश वैसा बनेगा भेष। ये स्वाभाविक सी बात है। एक योगी महापुरुष थे, वो जंगल में रहते थे, साधना करते थे, अपना ध्यान करते थे, जप करते थे, साधना करते थे, ध्यान करते थे, जप करते थे, उनका यही रूटीन था, प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। तो पास में एक राजा को पता चला कि वो महात्मा जी हैं जो बड़े विद्वान और बड़े आप्त पुरुष हैं, बड़े आर्ष व्यक्ति हैं, ऋषि हैं एक तरीके के, उनसे आशीर्वाद लो। तो वो गया, बोला महाराज मैंने आपके बारे में सुना। बोला अच्छा ठीक है, आशीर्वाद लिया। बोले महाराज आप यहाँ कुटिया में रहते हैं, इतना जंगल है, ये है वो है, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप जो है राजमहल में हम आपकी व्यवस्था कर देते हैं, आप चलिए। तो सन्यासी ने कहा कि मैं क्या करूँगा भाई, मेरी साधना ध्यान जप मंत्र है, भगवान का ईश्वर की प्रार्थना है, तो मैं वहाँ जाके करूँगा क्या। उसने कहा बड़ा निवेदन किया, आग्रह किया। तो महात्मा जी राजी हो गए, बोलो चलो ठीक है कुछ दिन चल के रह लेता हूँ। अब जब महात्मा जी गए रहने लगे, बढ़िया से भोजन मिलने लगा, सब चीज़ें समय से होने लगी। वहाँ तो भाई जंगल में क्या कंद मूल खा रहे हैं, लेकिन वहाँ वहाँ राजा के उससे भोजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो सब कुछ बढ़िया चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, रानी स्नानागर था एक ही, उसी में सब नहाते थे, तो रानी नहा करके निकली थी और उसके बाद महात्मा जी नहाने गए थे, तो रानी का जो हार था गले का वो वहीं पर रह गया। महात्मा जी नहाने लगे, नहा के वो हार लेकर के चल दिए। अब रानी ने जब जाकर देखा तैयार वैयार हुई कि हार नहीं है, उसने कहा अच्छा मैं अभी नहाने गई थी तो वहाँ रह गया होगा स्नान घर में, तो वहाँ जाकर के देखा तो हार नहीं, तो उसने पता लगवाया कि मेरे बाद यहाँ कौन नहाने आया, तो पता चला महात्मा जी आए। तो बोला महात्मा जी को खोजो, महात्मा जी को पूरे राजमहल में खोज लिया, महात्मा जी कहीं नज़र ही ना आए, भागे चले गए, हार लेकर के भागे ही चले गए और पता नहीं चला कहाँ गए। सारे राज्य में घूम, मतलब राजा ने आदेश दे दिया कि जहाँ भी महात्मा जी मिले बंदी बना लो, लेकिन महात्मा जी कहीं नहीं मिले। तो शाम को महात्मा जी वापस लौट आए हार लेकर के, क्योंकि आदेश तो जारी हो ही गया था कि जहाँ मिले बंदी बना लो और यहाँ प्रस्तुत करो मेरे सामने। महात्मा जी मिले नहीं जब, तो शाम को वो खुद आ गए राजा के सामने। तो उनने राजा ने और बोला कि ये आपका हार मैं ले गया था, ये ले लो। तो उसने बोला कि महात्मा जी ये क्या तरीका हुआ कि आप हार ले गए, आप इतने महापुरुष, इतने जो है ऋषि और एक सन्यासी, आप वहाँ रहने वाले, आप हार कैसे ले गए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है और आप अब देने आ रहे हैं। उसने कहा कि हुआ ये कि मैं था तो अच्छी मनस्थिति का व्यक्ति, लेकिन इतने दिनों से मैं तुम्हारे राजपाट का अन्न खा रहा था जो दूषित था और मेरे रक्त में वही अन्न दौड़ रहा था, लेकिन जब मैं इसको लेकर के भागा और मेरा पेट खराब हो गया, और जब पेट खराब हो गया तो उसके बाद जितने भी विकार थे, जितने भी वो तुम्हारे दूषित रक्त था, दूषित चीज़ें थी, वो मेरे शरीर से बाहर हो गई और मेरे मन में तुरंत ये आया कि मैंने ये क्या कर दिया, तो इसलिए मैं ये अब जब वापस जो मेरी पुरानी स्थिति में पहुंचा तो फिर मैं लौटाने के लिए आ गया। तो उस अन्न का प्रभाव देख रहे हो कि एक ऋषि व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति चोरी करके ले गया, जिसके लिए कोई मतलब नहीं था, वो पत्थर का टुकड़ा था। तो ऐसे मन बदलता है, ऐसे विचार बदलते हैं जो दूषित हो जाते हैं अन्न से, पानी से, लोगों की संगत से। दारूबाजों के साथ रहोगे तो आप ये अपेक्षा मत कीजिए कि बहुत दिन तक सात्विक रह पाओगे, कहीं ना कहीं आप अरे ले ले यार एक घूंट, कुछ नहीं होगा, अरे ले ले कोई नहीं, ले ले। जितने भी अब ये शराबी घूम रहे हैं, इनको किसी ने सबसे पहले ऐसी कहा था अरे ले ले कुछ नहीं होगा एक घूंट मार ले, ऐसे ही होता है। तो इसका बहुत प्रभाव है। ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक भोजन कीजिए, प्याज व्याज लहसुन मुर्गा मछली मांस, इन सब चीज़ों से जितना हो सके खुद को बचाएं, क्योंकि इससे आपके मन में विकारी पैदा होंगे और दूषित होगा, ईर्ष्या पैदा होगी, द्वेष पैदा होगा और अन्य कुछ नहीं होगा। तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जैसे आपने बात करी, तो उसी से हम देखते हैं कि आजकल लव जिहाद का बहुत केस है आ रहे हैं। पर मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि अगर किसी हिंदू लड़की को किसी मुसलमान से प्यार हो गया, वो प्रेम में फंस गई, तो इसमें गलत क्या है? ये समझने की ज़रूरत है कि प्यार की क्या परिभाषा है। वो प्यार नहीं है, वो उनकी योजना है, इसको समझिए। मैं आपको इतने सारे केसेस बता सकता हूँ कि जिसमें हिंदू लड़कियों को फंसा करके दूसरा, अगर ये प्यार है तो नाम बदलने की क्या ज़रूरत है,
आपको अब्दुल से सोनू बताने की क्या जरूरत है, आपको इरफान से मोहित बताने की क्या जरूरत है, आपको साजिद से एक्स वाई जेड कोई भी हिंदू नाम बताने की क्या जरूरत। प्यार है ना, तो बताओ कि हाँ मैं अब्दुल हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, बताओ कि मैं साजिद हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, बताओ कि मैं इरफान हूँ, पठान हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करती हो, प्यार करती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, नहीं बता रहे ना, क्यों नहीं बता रहे। अगर ये प्यार है तो ये कैसा प्यार है कि दूसरे को बेवकूफ बना करके अपने जाल में फंसाने वाला, ये कोई प्यार होता है? ये प्यार नहीं है, ये धोखा है। जो शादी से पहले ही धोखा दे रहा है, नाम बदल के बता रहा है, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, वो प्यार है? वो तुमको शादी के बाद सुखी रखेगा? और मैं एक नहीं हजारों उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पर मुसलमान लड़कों ने हिंदू लड़कियों से नाम बदल कर के विवाह कर लिया, निगाह कर लिया, उसके बाद वो दुर्गति हुई कि हम सोचेंगे तो भी हमें मतलब दिल कांप जाएगा, मतलब पीड़ा होने लगी कि ऐसा भी कोई कर सकता है। एक लड़के ने एक लड़की को बुलाया और अपना नाम अलग बताया, उससे प्यार का ढोंग रचा, फिर उससे छुपा छुप के निगाह कर लिया, फिर उसके साथ व्यभिचार किया, दुराचार किया, और उसी ने नहीं किया, उसके पिता ने, उसके मामा ने, उसके मौसा ने, उसके दोस्तों ने, उसके यारों ने, उसके पड़ोसियों ने, संबंधियों ने, सबके साथ उसके साथ दुराचार किया। तो ये प्यार है? तो मैं तो हिंदू लड़कियों को कहूँगा कि ऐसे लोगों से बचें। और क्या ज़रूरत है तुम्हें मुसलमानों से शादी करने की, क्या ज़रूरत है? हाँ, लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्चुअल है, वो एक एक्सेप्शनल केस है, बहुत एक्सेप्शनल रेयर केस है, वो ऐसा होगा नहीं। तो इसीलिए खुद को बचाओ इन जिहादियों से, इन आक्रांताओं से, इन ढोंगियों से, इन आतंकवादियों से। एक भी मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से प्यार नहीं कर रही, वो जब जागरूक है तो तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है? अरे भाई थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। हाँ, 1% एक्सेप्शनल केसेस है, उनको हटा दो, उनको फ्रेम से बाहर कर दो, लेकिन 99% प्यार नहीं है, वो धोखा है, वो तुमको बहलाने फुसलाने की साजिश है। तो मैं तो हिंदू लड़कियों से कहूँगा कि भाई ना फंसो इन इसमें। अगर जीवन को नरक बनाना चाहती हो जीते जी, तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई, ज़बरदस्ती तो हम किसी से करने, हम तो निवेदन कर सकते हैं कि मत फंसिए। और बहुत सी लड़कियाँ ऐसा कहती हैं, जब उनको कोई समझाए, या आप जैसी कोई लड़की समझाए, या कोई भाई समझाए, या कोई अन्य व्यक्ति समझाए, समाज का व्यक्ति समझाए कि बेटा ऐसा मत करो, बहन ऐसा मत करो, दीदी ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरे वाला साजिद ऐसा नहीं है, मेरे वाला सलमान ऐसा नहीं है, वो ऐसा तर्क देती हैं। और कुछ दिन बाद पता चलता है कि मेरे वाला अब्दुल भी ऐसा ही था, मेरे वाला सलमान, साजिद, इरफान, ये भी ऐसा ही था। ये प्यार नहीं है, फिर कह रहा हूँ। तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो सिस्टम है, ये चलता रहेगा, प्यार मोहब्बत धोखा धड़ी ये सब चलती रहेगी। और आज माँ बाप परेशान है कि मेरे बेटे के ऊपर तो शनि की दशा चल रही है, मेरा बेटा वहाँ कैसे रहता होगा, कॉलेज में कैसे पढ़ाई करता होगा। एक्चुअल में उस पर शनि की दशा नहीं चल रही, उस पर किसी शिवानी की दशा चल रही है ना। माँ बाप परेशान है कि मेरी बेटी के ऊपर राहु काल चल रहा है, राहु की दशा चल रही है, उसका क्या होगा, वो कैसे परिस्थितियों में मुंबई रह रही है, कैसी परिस्थितियों में दिल्ली रह रही है, जबकि असल में उसके ऊपर राहु की नहीं, राहुल की दशा वहाँ पर चल रही है। तो ये जितने भी मिसकॉन्सेप्शन है समाज के, हम इसमें फंस के रह जा रहे हैं और असली चीज़ पे कभी आ ही नहीं पा रहे। मतलब घूमते जा रहे हैं उधर ही कचरे कूड़े कचरे में, और हीरा रखा हुआ है कहीं और, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे। तो मिसकॉन्सेप्शन ने समाज को बेकार करा हुआ है। तो गौतम जी, आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र कब तक बनेगा? देखिए, ये सवाल तो मुझसे अक्सर लोग भेजते हैं, मेल पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, अलग अलग माध्यमों से पूछते हैं कि भैया ये बताओ हिंदू राष्ट्र कब तक बनेगा। हिंदू राष्ट्र तब तक नहीं बन सकता जब तक आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार के छोटों को गुरुकुल पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। तब तक नहीं बन सकता जब तक आप मुसलमानों की तरह, जैसे वो मदरसों में दान दे करके, मदरसों को फंड दे करके, मदरसों को पोषित करते हैं, बल देते हैं, वैसे तुम गुरुकुलों को बल जब तक नहीं दोगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तुम्हारी इच्छा हिंदू राष्ट्र बन जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए। कैसा हिंदू राष्ट्र? जहाँ पर लोग राम की आरती तो कर रहे हैं लेकिन राम के जो आदर्श हैं उसको अपने जीवन में नहीं धारण करना चाहते। इंसान जहाँ पर चित्र की पूजाएं तो कर रहा है लेकिन चरित्र की पूजा नहीं कर रहा। राम की पूजा कर रहा है लेकिन वहीं अपने छोटे भाई के साथ वैर है। तो इंसान राम की तो पूजा कर रहा है लेकिन राम के जीवन में जो श्रेष्ठ भाई का गुण था, एक प्रेम का, भाई के प्रति जो समर्पण का गुण था,
वो नहीं, अपने भाई से वो आज इंसान इस बात से वैर कर रहा है कि मेरे पिताजी ने, मेरे पूर्वजों ने इस भाई, छोटे भाई को तो दे दिया 10 ग्राम सोना और मुझे दिया 7 ग्राम ही सोना, तो इस बात पे उससे लड़ रहा है, इसको तो दे दी 1 किले जमीन और मुझे दी थोड़ा सा 1 किले से कम जमीन, मतलब एक एक जमीन के टुकड़ों पे लड़ रहे हो और कह रहे हो राम हमारे आदर्श थे, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आदर्श थे। अरे ये देखो कि राम के जीवन में एक श्रेष्ठ पुत्र का गुण था। आज तो मैं देख रहा हूँ कि पिता और पुत्र के मुकदमे चल रहे हैं, पुत्र ने पिता पर मुकदमा कर दिया कि इन्होंने मुझे अपनी संपत्ति में इतना हिस्सा जो देना था वो नहीं दिया। अरे क्यों देगा, वो नहीं है उसका मन, नहीं देता, उसकी मर्जी, पिता की इच्छा, उसने जीवन भर कमाया, वो दे ना दे, तुम उस पर मुकदमा करने वाले कौन होते हो? और फेसबुक पे लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं कि राम इज अवर आइडल, राम इज अवर आदर्श। ये क्या है, चित्र की इंसान पूजा कर रहा है, चरित्र को पूछ नहीं रहा। गंगा को एक तरफ माँ मान रहे हैं, दूसरी तरफ उसमें कचरा डाल रहे हैं, पुराने कपड़े फेंक करके जा रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं, पॉलीथीन डाल रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि देवियों की पूजा करनी चाहिए, देवी शक्ति स्वरूपा है, दूसरी तरफ सड़क पे कोई लड़की गुजर जाए तो उसको ऐसे घूम घूम के देख रहे हैं, घूर रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विदेश की महिलाएं बोल रही हैं कि यहाँ पर मुझे एक सी दिक्कत है कि यहाँ के लड़के घूरते बहुत हैं। ये क्या है, बाहर लोग जाकर के क्या संदेश देंगे, रशिया में, कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कि भारत के लड़के घूरते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरफ तुम नवरात्र के व्रत रख रहे हो, देवियों की पूजा कर रहे हो, दूसरी तरफ लड़कियों को इस तरीके से देख रहे हो, है ना? अगर ट्रेन में, बस में महिलाओं के लिए 2 आरक्षित सीट है तो महिला प्रेग्नेंट है वो खड़ी होकर जा रही है और आदमी पुरुष उसमें बैठे हुए हैं। तो ये मैं वो कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ जो इंसान को अपने जीवन में फॉलो करनी चाहिए। तो रही बात हिंदू राष्ट्र की, नहीं बनेगा राम की जय लगाने से हिंदू राष्ट्र, नहीं बनेगा हिंदू मुसलमान करने से हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनेगा आपके योगदानों से। आपने अपना बच्चा गुरुकुल भेजा या नहीं भेजा? तुम्हारा गुरुकुल में नहीं पढ़ रहा बच्चा, तुम्हारा DAV और DPS में पढ़ रहा है और तुम फेसबुक पर लिख रहे हो कि मोदी जी को ले आओ हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मोदी जी के बच्चे नहीं हैं, वो नहीं भेज सकते अपने बच्चों को गुरुकुल, भेजना तुम ही को पड़ेगा, मोदी नहीं बनाएंगे, योगी के बच्चे नहीं हैं, योगी ने शादी भी नहीं की, वो नहीं बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र तुम सबको मिलके बनाना है और हिंदू राष्ट्र की कल्पना बिना गुरुकुलों के नहीं की जा सकती, शिक्षा पद्धति की नहीं की जा सकती। आज ये पाश्चात्य राष्ट्र कैसे बन गया मैकॉले की शिक्षा पद्धति से? आज हम वेस्टर्न कंट्री बन गए हैं क्योंकि यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक भारतीय तो वेस्टर्निज्म को फॉलो कर रहा है ना अपनी जीवन शैली में। तो तुम कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र ऐसे थोड़ी बन जाएगा, वेद तुम पढ़ोगे नहीं, उपनिषदों से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, दर्शन को तुमको देखना तक नहीं है, है ना? कॉमिक्स तुमको पढ़ लेनी है, नॉवल पढ़ लेनी है, उल्टी सीधी किताबें पढ़ लेनी है जिसमें बहुत ज़्यादा मनोरंजन हो, कॉमेडी तुमको देख लेनी है, लेकिन तुमको धार्मिक आध्यात्मिक चर्चाओं में शामिल नहीं होना, बच्चों को भेजना नहीं मंदिर, तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? ऐसे नहीं बनेगा, उसके लिए हम सबको योगदान देना होगा। मुसलमानों ने मदरसों को फंड दिया है, ईसाइयों ने अपनी कमाई से एक निर्धारित पैसा बाइबल स्टडी सेंटर में दे रहे हैं, लेकिन हमारा एक भी मंदिर हमारे गुरुकुल को नहीं संचालित कर रहा। मंदिर से ज़्यादा आज इस देश में गुरुकुलों की ज़रूरत है जहाँ पर आपको वेद, दर्शन, उपनिषद, इन सब ग्रंथों की शिक्षा दी जाए। उसमें विज्ञान भी सम्मिलित है क्योंकि ज्ञान, कर्म, विज्ञान और उपासना तीनों का समन्वय तो है चारों वेद, और क्या है, सब कुछ है उसमें। वैसा ये कि धर्म के लिए लड़ोगे? हाँ लड़ेंगे, धर्म क्या है वो नहीं पता, वो नहीं पता। हमको हर हर महादेव और जय श्री राम तक सिर्फ पता है, उसके आगे क्या है, राम कौन थे, शिव कौन थे, हाँ जी शिवजी भांग पीते थे, शिवजी नशा करते थे, शिवजी डांस करते थे, कृष्ण कौन थे, गीता का नहीं पता, गीता का नहीं पता कि कृष्ण ने गीता का श्रेष्ठ उपदेश दिया जो आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, जिसको मैनेजमेंट की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का खिताब तक दे दिया पाश्चात्य लोगों ने। लेकिन हमको सिर्फ इतना पता है कि कृष्ण जी तो रास रचते थे, गोपियों के साथ नाचते थे, कपड़े चुराते थे, डांस करा करते थे। 4 श्लोक पर बताना जरा गीता के, ओ आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं है। ये तुमको याद है कि कृष्ण का रूप लेकर के नाचना है, लेकिन कृष्ण का वो वाला रूप तुमको याद नहीं जिसमें उन्होंने खड़े होकर के अर्जुन को रणभूमि में उपदेश दिया और जिसका मन विकारों से भर गया था उसको पुनः धर्म की ओर लगा दिया, वो तुमको नहीं याद है। तो यही है कि हम लोग जो सोचते हैं उसमें खुद करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, खुद उसमें हम योगदान नहीं देना चाहते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, बहुत अच्छे आपके विचार हैं।
मुझे नहीं लगा था कि इतने एक टेक में आप इतना सारा बोल देते हैं या एक बार में इतना सारा बोल देते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके विचार सच में बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। और स्पीकर तो बहुत ही अच्छे हैं आप। धन्यवाद। सुनकर भी काफी अच्छा लगता है। भगवान की कृपा। चलिए फिर, धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है फिर, हरे कृष्णा हरे राम।